पहली बार मध्य प्रदेश में एक राम गरीब वनवासी को प्रत्याशी बनाकर कमलनाथ जी ने यह संदेश दिया है कि हमारी पार्टी हरिजन आदिवासियों के साथ है। राजे रजवाड़े खत्म हो गए, कभी क्षेत्र में पलट कर नहीं देखते, विकास नहीं करते। आज ऐसे आदमी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। देखिए, मुझे तो जनता जनार्दन की लड़ाई वर्सेस राजा की लड़ाई दिख रही है। पूरी जनता खिलाफ है जिसने काम नहीं किया। राजा रजवाड़े हैं कहाँ आजकल? खुद लिखते हैं कि हम राजा हैं, जनता नहीं कहती कि वो राजा हैं। यहाँ पर जो विधायक दिव्यराज सिंह 10 वर्ष थे, उन्होंने कोई भी न विकास का कार्य किया, न जनता के बीच में गए और न जनता से संपर्क रखा। इसके वजह से भी उनके खिलाफ जनता काफी आक्रोशित है। इस बार हमारे सिरमौर का नाम सिरमौर ही रहेगा और हम लोग हर पोलिंग जीतेंगे। और हमारे 15 जो 20 सालों से सूखा भी पड़ा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के 20 वर्षों का आक्रोश है जनमानस में, और जनमानस पूरी तौर से ये मन बना चुका है कि सिरमौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस कमलनाथ की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं रीवा जिले के कांग्रेस प्रभारी भानु प्रताप शर्मा जी। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। आप लगातार रीवा जिले में भ्रमण कर रहे हैं और क्या माहौल सिरमौर का दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो रीवा जिले में 8 में से 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है। इस बार बदली हुई परिस्थिति है, पूरे जिले में कांग्रेस की बयार है, बदलाव की बयार है, जिसे अपन कह सकते हैं वोट फॉर चेंज। सरकार बदलने के लिए जनता वोट देना चाहती है, वक्त है बदलाव का। और सिरमौर रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। अभी तक आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के ने कांग्रेस को हमेशा साथ दिया। पहली बार मध्य प्रदेश में एक राम गरीब वनवासी को प्रत्याशी बनाकर कमलनाथ जी ने यह संदेश दिया है कि हमारी पार्टी हरिजन आदिवासियों के साथ है। हम लोगों के दिल में अनुसूचित जाति जनजाति रहती है और भगवान राम जैसे रहते हैं, इनके इनके दिल में राम रहते हैं। राम गरीब के मन में तो यही है, मन में राम और निवास है गरीबों के झोंपड़े में। जीतना ही चाहिए, जनता जनार्दन का प्रत्याशी है वो, आम जनता का प्रत्याशी है। राजे रजवाड़े खत्म हो गए, कभी क्षेत्र में पलट कर नहीं देखते, विकास नहीं करते। आज ऐसे आदमी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है जो लगातार क्षेत्र में घूमेंगे, गाँव में काम करेंगे, गाँव का विकास करेंगे, गरीबों के काम करेंगे। और कांग्रेस की मजबूत सरकार जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, उसमें राम गरीब वनवासी की आवाज बुलंद होगी। राजा और रंग की लड़ाई यहां पर समझ में आ रही है, तो इसमें कौन कितना ताकतवर दिखाई दे रहा है और आप लोगों की ताकत किसके साथ ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे तो जनता जनार्दन की लड़ाई वर्सेस राजा की लड़ाई दिख रही है। पूरी जनता खिलाफ है जिसने काम नहीं किया। राजा रजवाड़े हैं कहाँ आजकल? खुद लिखते हैं कि हम राजा हैं, जनता नहीं कहती कि वो राजा हैं। इसलिए ये प्रजातंत्र है, हम आज का प्रजातंत्र, आज की सरकार संविधान से चलती है, किसी के दरबार से या किसी महल से नहीं चलती। कांग्रेस प्रदेश में स्थिर सरकार देने जा रही, इस बार हम क्या माने इस बारे में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार मिलेगी। 150 से ज्यादा प्रत्याशी विधायक बनकर आएंगे, भारी बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। और 2024 के चुनाव में भी ये झूठों की सरकार चली जाएगी, बेईमानों की सरकार चली जाएगी, मोदी की सरकार चली जाएगी। प्रदेश में 3 मुद्दे अहम हैं, ओपीएस और जो तो जातिगत जनगणना और ओबीसी को महिला आरक्षण बिल में एक अलग से कोटा मिलना चाहिए, इस चीज को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में कमलनाथ जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम ओपीएस देंगे सभी कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, इसलिए वो एक हमारा वचन है। इसी तरह से जो 1500 रुपये प्रति महिला को देने की बात कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कही है, प्रियंका गांधी ने भी उस चीज़ को कंफर्म किया है गारंटी के रूप में, वो हर एक परिवार को दिया जाएगा पहली कैबिनेट मीटिंग में। और जो जनगणना वाली बात आई है, जो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात आई है, कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार ही इस काम को कर सकती है, दूसरों के बलबूते का कोई काम नहीं है ये। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल दिख रहा है, आप चूंकि 8 विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, एक तरीके से ओबीसी के प्रभारी के तौर पर आप काम कर रहे हैं? जी, मैं प्रभात वर्मा, 1 नवंबर को एक भारी जन सैलाब के साथ सदस्यता लिया हूं ओबीसी मंच से, और पूरे 8 विधानसभा में मेरा भ्रमण हो चुका है।
और आठों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। सिरमौर विधानसभा तो मुझे आज ऐसा लगा कि हम रीवा जिले में सबसे अधिक वोटों से जीत करके भाई राम गरीब वनवासी जी को भोपाल पहुंचाएंगे। और जैसा हमारे तमाम जन सैलाब जनता जनार्दन की उम्मीद है कि हमारे सिरमौर का हमेशा मंत्री हुआ है और इस बार भी हम जिता के भेजेंगे तो हम मंत्री हमारा मंत्री बनेगा। आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से और इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मैं रमेश शंकर मिश्रा महामंत्री हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज जो सिरमौर क्षेत्र का माहौल है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पर जो विधायक दिव्यराज सिंह 10 वर्ष थे, उन्होंने कोई भी न विकास का कार्य किया, न जनता के बीच में गए और न जनता से संपर्क रखा। इसके वजह से भी उनके खिलाफ जनता काफ़ी आक्रोशित है। दूसरा, प्रदेश में कांग्रेस की बिहार चल रही है, बदलाव की बिहार चल रही है। कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिए हैं वो लोगों के समझ में आ गए हैं और उनको लेकर के लोग उत्साहित हैं, चाहे कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, सभी के लिए उन्होंने 10 वचन पत्र में दिए हैं और निश्चित रूप से लोगों को विश्वास है कि कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान होने वाला है और सिरमौर विधानसभा की सीट हमारे राम गरीब प्रत्याशी हैं, वो निश्चित रूप से भारी मतों से जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्याशी होने का रीवा जिले के आदिवासी वोटर पर भी असर दिखाई? हाँ, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि सामान्य सीट से एक आदिवासी को टिकट दिया गया है तो उसका असर पूरे 8 सीटों पर पड़ रहा है और पड़ेगा। लगातार जो है तो यहाँ 15 साल से कांग्रेस नहीं रही है, इस बार क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है? इस बार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनेगी और हमारे सिरमौर विधानसभा में जो 20 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, इस बार हमारी विधायक भी बनेंगे राम गरीब वनवासी जी और कम से कम 20,000 वोटों से इस बार हमारे सिरमौर का नाम सिरमौर ही रहेगा और हम लोग हर पोलिंग जीतेंगे और हमारे 15 जो 20 सालों से सूखा भी पड़ा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, तो हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कांग्रेस साल का जो एक वापसी है एक तरीके से पूरा धूल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब कार्यकर्ता 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उसी संघर्ष का नतीजा होगा कि हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और हमारा विधायक भी प्रचंड वोटों के साथ जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक की जिम्मेदारी आपके पास है, आपके नेतृत्व में ब्लॉक किस तरीके से कार्य कर रहा है और सिरमौर ब्लॉक की हम विशेष तौर पर बात करें, कैसे रहेगी कांग्रेस की? हमारे यहाँ 85 पोलिंग है इस ब्लॉक में, हर पोलिंग के अंदर BLA हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, मंडलम अध्यक्ष हैं और हमारी पोलिंग कमेटियां बनी हुई हैं। हर जगह हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के 20 वर्षों का आक्रोश है जनमानस में और जनमानस पूरी तौर से ये मन बना चुका है कि सिरमौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा और कांग्रेस कमलनाथ की सरकार बनेगी, ये तय हो। तो इस वक्त हम मौजूद थे सिरमौर में हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में, जहां पर रीवा के प्रभारी भानु प्रताप शर्मा जी से भी हमने बातचीत की और यहां के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करके सिरमौर की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।